पिछले साल इफ्तार के बहाने नीतीश और तेजस्वी एक हुए और सरकार बन गई। सत्ता में शामिल बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर दिया गया और एक बार फिर से इफ्तार की शुरुआत हो गई है। बिहार की सियासत में पहला इफ्तार जनता दल यूनाइटेड की तरफ से दिया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद शामिल होंगे और मुख्यमंत्री आवास पर यह इफ्तार दिया जाएगा। उसके बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अपने आवास पर, यानी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर इफ्तार का आयोजन किया जा रहा है। 13 अप्रैल की तारीख तय की गई है और इस इफ्तार पार्टी में आरजेडी के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। साथ ही साथ महागठबंधन के सभी जो नेता हैं उनको भी न्योता भेजा जाएगा। आपको बता दें कि महागठबंधन के तरफ से जब भी इफ्तार पार्टी का आयोजन होता रहा है तो सभी नेता एक दूसरे के यहाँ जाते रहे हैं, लेकिन इस बार का इफ्तार बेहद खास होगा क्योंकि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद यह पहला इफ्तार है। हालांकि इफ्तार के बहाने ही नीतीश और तेजस्वी गले मिले थे और ये दोस्ती बाद में सरकार में बदल गई, एक दूसरे का उन्होंने भरोसा जीत लिया। राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से यह तय किया गया है कि इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाएगा, इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। लालू प्रसाद यादव का सेहत भी ठीक है पहले से। लालू प्रसाद यादव अपनी किडनी का सफल ऑपरेशन करवा के लौट चुके हैं, दिल्ली में हैं और ऑपरेशन करवाने के बाद से लालू प्रसाद यादव पटना नहीं लौटे हैं। उम्मीद ये जताई जा रही है कि इफ्तार के मौके पर पूरा लालू परिवार एक साथ पटना में मौजूद रहेगा। ये भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव जब से पापा बने हैं तब से उनकी बिटिया कात्यायनी भी बिहार नहीं आई है। हो सकता है कि इफ्तार के बहाने जब तमाम नेताओं का जुटान होगा उस वक्त सभी लोग पटना में मौजूद रहेंगे और इफ्तार पार्टी में शामिल होंगे। आपको बता दें कि बिहार में इफ्तार का जो सिलसिला है वो बेहद पुराना है। तमाम राजनीतिक दल के नेताओं के द्वारा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाता रहा है, समय समय पर इफ्तार दिया जाता रहा। लालू प्रसाद यादव के जेल जाने के बाद से राबड़ी आवास में इफ्तार पार्टी का आयोजन बंद हो गया था, लेकिन पिछले साल तेजस्वी यादव की मौजूदगी में इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ और उस जो इफ्तार पार्टी के आयोजन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को न्योता भेजा गया था। सीएम के आने के बाद उस इफ्तार को लेकर काफ़ी चर्चे किए जा रहे थे। जिस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राबड़ी आवास पर इफ्तार पार्टी में शामिल होने आए थे उस वक्त वो NDA के हिस्सा में थे, बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकार चला रहे थे, लेकिन बीजेपी की परवाह किए बगैर नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी में शामिल हुए थे। हालांकि अब इफ्तार पार्टी को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के अंदर जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। RJD के विधायक और बिहार सरकार में मंत्री जो हैं उन्होंने सीधे तौर पर बता दिया है कि लालू परिवार ने इफ्तार की तैयारी शुरू कर दी है और राबड़ी देवी के आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारी की जा रही है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव के विधायक और बिहार सरकार के मंत्री समीम अहमद। राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से हर साल की भांति इस साल भी इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है, जो 13 अप्रैल को होगी। लालू जी भी सहमति देते हैं, राष्ट्रीय जनता दल में सभी लोगों का सहमति बना है 13 अप्रैल को ये हो। अच्छा सर, बैठक में क्या खास रहा है सर, ये नालंदा और सासाराम की जो घटना घटी है तो क्या अभी तक आप लोग की तरफ से क्या रिपोर्ट पूछा है क्या कौन लोग हैं इस तरह के अस्तित्व को बिगाड़ रहे हैं? यहाँ प्रशासन पूरे मुस्तैदी से काम कर रहा है, सामान्य स्थिति हो गई है और जो भी दोषी पाया जाएगा सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस
लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।